friends, welcome back to my channel. I hope guys you all are fit and perfect. So if you're new viewers, then hi, this is me Shishmita, and who have already subscribed to my channel. So for those people, welcome back to my channel again. And today in this video, I am going to share with you how to get flawless makeup look. I will show you step by step so that you don't have any problem to apply your base makeup, like your foundation, your concealer, how to contour your face and all. I will show you step by step. So yeah, without wasting much time, let's get started into the video. And before watching this video, what you have to do, you know guys, please do subscribe to my channel and press the bell icon next to the subscriber so that whenever I upload any kind of video, you will get notification firstly. So yeah, let's get started into the video. सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले फेस को मॉइस्चराइजर करना बहुत ही ज़रूरी होता है. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन देन गो फॉर ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. इफ़ यू हैव ड्राई स्किन देन गो फॉर मोर हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर. सो मॉइस्चराइजर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिफोर यूजिंग एनी फाउंडेशन और एनी बेस मेकअप. बहुत ही ज़रूरी है मॉइस्चराइजर को यूज़ करना. So here I am using Patanjali aloe vera gel and I am dabbing like so. Don't rub any aloe vera gel, just dabbing like so. Then hair primer. So primer also most important after moisturized your face. Primer का काम होता है pores को blur out कर देता है और एक layer भी provide करता है, जिनकी वजह से आपकी मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग कर सकती हो और फाउंडेशन को ईजिली ब्लेंड भी कर सकती हो. हेयर आई एम यूजिंग ब्लू हेवन ऑयल फ्री प्राइमर. इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर बेस्ड फॉर ऑयली स्किन. इट्स मोर लाइक कलर बर प्राइमर एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी अफोर्डेबल. सो आई एम कंसनट्रेटिंग वेयर आई हैव पोर्स लाइक माई टीजून एरिया स्पेशली. मैं कलर करेक्शन करूँगी उस जगह पे जहाँ पे मेरी डार्क स्पॉट है ऑरेंज लिपस्टिक के साथ. और ऑरेंज लिपस्टिक और ऑरेंज कलर यूज़ करने से आपको जो स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है, वो छुप जाएगा. सो इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन. सो हेयर आई एम यूजिंग लोटस मैट ऑरेंज लिपस्टिक. सो यू कैन यूज़ एनी ऑरेंज कलर. सो या मैं अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे मेरा डार्क स्पॉट है और मैं ब्लेंड भी कर रही हूँ मेरी फिंगर्स से. So I have done that. I will be using my foundation. It's L'Oreal True Match foundation in the shade Golden Beige. और ये जो foundation है ना, बहुत ही अच्छा foundation है. It gives full coverage. Just one layer पे आप full coverage मिल जाएगा. और ये बहुत ही liquid सा foundation है. That's why I am loving this foundation. और इसमें हल्का सा sheen भी है. So that's why it gives a nice glow to your skin. So yeah, I am dotting all over my face like so. You can blend this foundation either with your buffing brush or damp beauty blender. So first I will be blending with my buffing brush. One thing always remember that आप आपकी foundation को कभी भी upward direction में blend मत करिएगा. Downward direction से upward direction से लेके blend करिएगा. It looks so flawless and yeah, I really like this process. So here I am using this step. Using damp beauty blender because it takes all the extra product from your face and it looks so natural. आप देख ही सकते हो मेरा डार्क स्पॉट हाइट हो गया है. नेक्स्ट स्टेप है कंसीलिंग. सो मैं ऑलरेडी मेरी करेक्टर से मेरी डालनेस को, मेरी स्पॉट्स को कवर अप कर लिया है. अभी मैं फेस हाइलाइटिंग कर रही हूँ. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग वन शेड लाइटर देन माय स्किन टोन. हाइलाइटिंग कंसीलर मैंने चूज़ किया है और अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ. सो अंडर आइज़ पे, नोज पे, क्यूबिट बो पे, चिन पे, लिटिल बिट फोरहेड पे और जहाँ पे मैं कंटूर करूँगी उसके बिलो में मैं हाईलाइट कर रही हूँ. सो दैट आप जब भी फोटोज़ वगैरह खींचते हो उस पर आपका फेस उभर के आएगा और अच्छा लगता है उस पर. सो आई एम ब्लेंडिंग इट अगेन विथ माई डैम ब्यूटी ब्लेंडर.
अभी मैं इस डूम ब्रश के साथ मैं मेरी फेस को सेट कर लूँगी जहाँ जहाँ पे मैं हाईलाइट कंसीलर यूज़ किया है जो कि क्रीज ना आए। सो हियर आई एम यूजिंग लैक्मे एब्सोल्यूट कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड मीडियम। नेक्स्ट स्टेप है कॉन्टोरिंग। सो कॉन्टोरिंग के लिए मैं ADS अल्टीमेट प्रो कंसीलर पैलेट से इस डीप ब्राउन शेड को लेके मैं कॉन्टोर करूँगी, दैट्स लाइक सो। मैं हॉलोज ऑफ माय चिक्स पे कॉन्टोर करूँगी लाइक सो एंड नोज पे कॉन्टोर करूँगी नोज को शार्प देखने के लिए एंड जॉ लाइन पे डबल चिन को हाइट करने के लिए एंड फोरहेड पे। सो फोरहेड पे मोस्टली कॉन्टोर करता है जिनकी ब्रॉड फोरहेड है उसको छोटा देखने के लिए। सो मैं अगेन डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर देती हूँ। देन मैं मेरी क्रीम कॉन्टोर को सेट करने के लिए मैं इस ब्रॉन्जर शेड को लेके जहाँ जहाँ पे मैं क्रीम कॉन्टोर अप्लाई किया था उसमें ब्रॉन्ज अप कर रही हूँ। सो हेयर आर द फाइनल लुक। आप देख ही सकते हो कितना फ्लॉलेस दिख रही हूँ मैं, और आप भी आपको बेस मेकअप को फ्लॉलेस क्रिएट कर सकती हो इसी प्रोसेस को फॉलो करके। सो या आई होप इट विल हेल्प यू। सो इफ इट इज़ हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ, आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय।